वालेकुम सलाम जी, छोले वगैरह हैं? छोले कहाँ से मिलेंगे फिर? चले चले, ठीक है, ओके। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अरे कमेंट में ये ना बोल देना कि डक्की भाई की एक्टिंग कर रहे हो। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो इस व्लॉग में मुझे 100 लाइक्स चाहिए। कि मैं कहाँ पर बिजी होता हूँ वो आपको पता है, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ डेली, ठीक है ना, तो पबजी की। ठीक, कल ईद है और मेरे बाल वगैरह बहुत ख़राब थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज बाल वगैरह बनवा लूँ, थोड़ा सा इंसान हो जाऊँ। तो थोड़ी देर में मैं उधर चलते हैं। ठीक, बाकी यार अभी गर्मी बड़ी हैवी किस्म की हो रही है इधर, ठीक है ना, सिंध में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक, चलते हैं जी। गर्मी बड़ी हैवी किस्म की हो रही है जी, बड़ी हैवी किस्म की गर्मी हो रही है। ओए होए होए होए, एसी चला देते हैं। आइए ओ भाई साहब, यार सीन अभी कुछ ये है कि अभी मैं निकल पड़ा हूँ घर बाल बनवाने के लिए, ठीक है ना, तो बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ। आज मतलब मुझे बाल कटवाने ही कटवाने हैं। हर सी बात है, देखो ना, कल ईद है और बहुत रश होती है, वेट करना पड़ेगा, बहुत कुत्तों वाली होने वाली है। ठीक है, रेक्स तो यार ये मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपना लोगो लगवा लूं गाड़ी पे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। फिर बीच में रमजान आ गया, तो आज मैंने उससे बात की थी कि उसने कहा कि आ जाओ भाई, टाइम है मेरे पास, तो वो मैं अभी मैंने लगवा लिया है। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा था उसने, मतलब कैसा बनाया था लोगों को। यार मैं आ तो गया हूँ लेकिन इधर बड़ी रश है, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, सब्र करो। यार ये देखो, ये मैं आ तो गया हूँ लेकिन इधर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। One hour later. यार एक सीन हो गया, सीन ये है कि जिधर से मैं हेयर कटिंग करवाने आया हूँ ना, उधर लाइट नहीं है, तो अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं बाल वगैरह कटवा के ना फिर आपको घर में सारा बाल वगैरह दिखाऊंगा कि मैंने कटिंग कैसे करवाई। फिर मुझे रेस्ट भी करनी है, एक घंटा मुझे लग जाएगा बाल कटवाने में। ठीक, उसके बाद फिर शाम हो जाएगी, फिर रोजे का टाइम हो जाएगा। ठीक, फिर मैं आपको घर जाके सारा अपडेट देगा। ठीक, तो यार अभी बस मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, जैसा भी है बस फिर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, 5 hours later. बाल वगैरह मैंने बनवा लिए बहुत ख्वारी के बाद, अभी कल को ईद है, तो अभी मैं ब्लॉग के साथ एडिट भी कर रहा हूँ साथ में, तो ईद आ रही है, ठीक है ना, तो मैं सोने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह कल ईद वाले दिन मिलते हैं। Approximately 10 hours later. तो यार मैं अभी उठ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 6:37 सुबह के। सीन ये कि 8:30 बजे नमाज है और घर वालों को भी उठाना है, ठीक है ना, पहले मैं सबको उठाता हूँ, उसके बाद रेडी होंगे, रेडी होके ना फिर मिलते हैं नमाज के लिए। यार बाकी मैं आप लोगों से ना ईद नमाज पढ़ के ही मिलूंगा, ठीक है ना, पढ़ के आप लोगों को बड़ी झप्पियाँ लगाऊंगा, ठीक है ना, जो लाइक करेगा उसके लिए। तो हेलो जी, मैं रेडी हो चुका हूँ नमाज के लिए और बाकियों का वेट करते हैं, वो भी रेडी हो जाए तो फिर डायरेक्ट नमाज पे चलते हैं। मैं उधर देखूंगा, ट्राई करूंगा कि शॉर्ट्स लेने की कोशिश करूँ, शॉर्ट्स नहीं मतलब थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है ना, अगर दिखा सका तो मैं दिखा दूंगा, वरना फिर नमाज के बाद मिलेंगे। अमला जी, ईद नमाज पढ़ के आ गए और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आप सबको खुश रखे, आ जाओ गप्पी लगाते हैं, जिस जिसने लाइक किया उसको ही गप्पी लगाऊंगा, आ जाओ। लगा ली भाई, तो शायद मैं कहीं दोस्तों से मिलने जाऊं, उनसे ईद मिलने, तो मैं आपको थोड़ी देर में सारी अपडेट करता हूँ। तो यार अभी मैं बाहर निकल आ गया हूँ, ठीक, देखते हैं क्या सीन बनता है, एक दोस्त को भी पिक करना है, बाद देखते हैं कहाँ चलने का सीन है, ठीक है, तो फिर आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ। यार मैं जिस दोस्त के लिए बोल रहा था, मैं उसके पास आ तो गया हूँ लेकिन मैंने मैसेज भी किया हुआ है, अभी देखते हैं कितनी देर में आता है। अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ, मैंने इसको मैसेज किया हुआ है लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है 2:46, अभी देखते हैं ये साहब कब तक आता है। ठीक, ये लड़का अभी तक नहीं आया यार, हद ही हो गई है यार, ये फाइनली आ गया, अभी क्या सीन है, कहाँ पर चल रहे हैं आज, देखते हैं चलते हैं कहीं सखर वगैरह के सीन बना देना। अच्छा, अभी कोई सीन तो है नहीं। अच्छा, तुमने ईद भी नहीं मिली, ना ही मुझे ईद ही दी है तुमने, ये क्या वजह है ना हमें मिली भाई, ना सुनो दे। हम जब उतरेंगे ना मैं देखना इससे कैसे ईद मिलता हूँ, ठीक है ना, अभी गाड़ी में बैठे हुए अभी
उठना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना, अभी चलते हैं और सखर चलते हैं, फिर देखते हैं उधर क्या मूड बनता है, फिर आगे मैं आपको अपडेट करूंगा। सबर करो, आज इनके साथ प्रैंक करते हैं। वालेकुम सलाम जी, छोले वगैरह है? छोले कहाँ से मिलेंगे फिर? चले चले, ठीक है, ओके ओके। क्या हाल है चाचा? ईद मुबारक। सखर में हम काफी जगह गए लेकिन बंद थी। सखर में भाई KFC खुली हुई है, तो अभी उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, हम उधर पहुंच गए तो उतरते हैं, थोड़ा सा खाते वगैरह हैं। तो यार सीन अभी ये कि मैं आ गया हूँ KFC, लेकिन इधर बड़ी हैवी वाली रश है। कैसे लग रहा है कि इधर मुझे ऑर्डर भी नहीं मिल सकेगा, लेकिन देखते हैं भाई क्या सीन होता है। ठीक है, मेरा दोस्त आ चुका है और उसके बाद देखते हैं, अभी ऑर्डर करते हैं कुछ। यार बड़ी कोई स्लो सर्विस है, मैं कब से खड़ा हूँ लेकिन अभी तक मुझे मतलब कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिला। तो यार KFC वगैरह खा ली, रेस्ट करूंगा। एक चीज, अगर कभी भी आप ईद पे KFC का मूड बनाते हैं ना, तो कभी नहीं आना। एक तो फ्रेश नहीं होता, ठीक है ना, और दूसरा वो मज़ा नहीं होता KFC का। तो यार अभी निकल पड़े हैं, ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, कहाँ चलते हैं। अभी नो आइडिया, इट्स रैंडम व्लॉग है ये। मैंने कोई भी कुछ भी नहीं सोचा हुआ, मैंने कहा जो भी एक्टिविटी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूँगा आप। तो यार भाई आज KFC की जो ट्रीट थी ना, वो हमारे भाई की तरफ से थी, ठीक है ना, समझ रहे हो, व्लॉग में देना पड़ता है ये चीज़। जैसे अगला बंदा दूसरी बार भी मुझे खिलाए, समझ रहे हो ना बात को। दोस्त से ईद नहीं मिली थी, वो नाराज़ हो गया, तो आज उसको मैं देखो झप्पी कैसे लगा रहा हूँ। जो जो लाइक करेगा सबको ऐसे ही झप्पी दूंगा। भाई ईद मुबारक। तो यार सीन कुछ ये कि अभी हम घर जा रहे हैं, ठीक है ना, मुझे थोड़ी कॉल आ गई है अर्जेंट, और अभी भाई को भी छोड़ना है। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, ठीक है ना, तो भाई को अभी मैं ड्रॉप करने आया हूँ। सो मच, आपने हमें इतनी ईद की ट्रीट दी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कि एक बात भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अरे यार, तो यार इस व्लॉग को इधर हम एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर।